हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचि अजय और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक खास डिश। ये डिश है गुच्छी और मटर का मद्रा। इसे मैं हिमाचली स्टाइल में बनाऊंगी। बिल्कुल शादी में जो मिलता है ना गुच्छी का मद्रा, वैसा बनेगा, या कहिए उससे भी ज़्यादा टेस्टी मद्रा ये होगा। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ली है गुच्छी। इस गुच्छी को मैंने अच्छे से 3-4 बार पानी में धो लिया था, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। तो आप इसे सोक करके रख दें। अच्छे से धोने के बाद या तो आप इसे पूरी रात भिगो के रखें, नहीं तो आप 2 घंटे गर्म पानी में इसे भिगो के रख सकते हैं, और उसके बाद भी आप इसे काफ़ी बार धोएं ताकि इसके अंदर जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाए। उसके बाद आप इसे इस तरह से पीसेस में कट कर सकते हैं। बहुत छोटे पीसेस नहीं करने हैं हमें, इतने मीडियम से रखने हैं इसकी पीसेस। अब आप एक कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी ले लें और उसके अंदर करीब 1 मिनट तक धीमी आंच पे इसको हम सॉट करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम कुछ देर इसको हिलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसे किसी प्लेट में निकाल के रख लेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने 1 कप उबले हुए मटर लिए हैं। उबले हुए मटर हम ले लेंगे 1 कप। और मसालों में मैंने ली है सौंफ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और जावित्री, ये ऑप्शनल है। 2 चुटकी हींग और 2 साबुत लाल मिर्च भी ली है। तो आप इलायची और लौंग को इस तरह से कूट के रख लें। और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा प्याज, कुछ लहसुन की कलियाँ और अदरक ली है। इन्हें मैं इस तरह से चॉप कर लूँगी। ऑप्शनल है, आप चाहे तो प्याज और लहसुन डालें, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। अब एक पैन में हम 2 बड़ी कड़छी देसी घी की डालेंगे। थोड़ा सा घी गर्म हो जाए तो आप इसके अंदर साबुत लाल मिर्च डाल लें। थोड़ी देर साबुत लाल मिर्च को भुनें और उसके बाद जितने भी खड़े मसाले मैंने आपको बताए वो सारे इसमें एक साथ डाल दें। गैस की फ्लेम को आप लो ही रखें, क्योंकि हमें इन मसालों को जलाना नहीं है, इनका फ्लेवर निकालना है। इसके बाद आप इसके अंदर डालें 1 चम्मच ज़ीरा। साथ ही यहाँ डालूँगी मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर। और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अपने प्याज लहसुन अदरक का मिक्सचर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, पर बहुत अच्छा टेस्ट देता है इस मद्रे में। तो देखिए इस तरह से हम इसे कुछ देर भुनेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी। तो 3/4 चम्मच हल्दी मैंने डाली है इसके अंदर। साथ ही मैं थोड़ा सा नमक अभी डालूंगी और बाद में हम नमक एडजस्ट करेंगे। तो इसमें मैंने भी थोड़ा सा नमक डाला है, स्वाद के अनुसार डालें। और मेथी पाउडर 2 चुटकी, नहीं तो आप साबुत मेथी डाल सकते हैं शुरुआत में ही। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे डालूंगी दही। तो ये घर की बनी हुई दही है, तो 1 किलो के आसपास ये दही है। हमें बहुत खट्टी दही नहीं लेनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस दही को हम इसके अंदर डाल देंगे। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि दही डालने के बाद आपको इस मिक्सचर को कंटिन्यूसली हिलाते रहना है जब तक पहला एक उबाल ना आ जाए, नहीं तो आपका जो दही है ये फट जाएगा और काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ हो जाएगा। फिर आपको इसे बहुत टाइम लगेगा भुनने में, तो आप इस बात का ध्यान रखें, इसे चलाते रहें। और इस तरह से जब ये इस कंसिस्टेंसी का पहुँच जाए तब आप इसे भुनने के लिए खुद पर छोड़ दें। थोड़ी मेहनत का काम है, आप देखिए कि इस तरह का ये टेक्स्चर हमें लास्ट में चाहिए। घी अच्छे से निकल गया है इस मसाले से। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 बड़े टमाटर ग्राइंड करके। तो हमारा जो दही है वो अच्छे से भुन चुका है और देखिए कितने अच्छे से घी इसने रिलीज़ कर दिया है। इस कंसिस्टेंसी तक आपको इसे भुनना ही है और ध्यान रहे नीचे ना लगे। अब इसके अंदर टमाटर डाल दें। टमाटर डालने के बाद भी आपको इसे अच्छे से भुनना है, मीडियम फ्लेम पे आप इसे अच्छे से भुनें, क्योंकि मद्रा है और जितना अच्छा और स्लो आप इसको भुनेंगे उतना अच्छा टेस्ट इसके अंदर आएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे मलाई। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी अमूल क्रीम भी बची थी तो मैंने वो भी डाल दी। आप चाहें तो ये डाल दें, नहीं तो आप मेरी तरह घर की जो दूध के ऊपर मलाई होती है ना वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो 3/4 कप के आसपास मैंने इसमें मलाई डाली है। अब यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, जो बहुत तीखी नहीं है, सिर्फ कलर के लिए। तो यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच वो डाल दिया है। साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालूंगी। थोड़ा नमक मैंने पहले भी डाला है तो उस हिसाब से मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके लो फ्लेम पर रख देंगे। तो देखिए कुछ देर बाद आप देखेंगे कि हमारा मसाला कितने अच्छे से भुन गया है। तो ये उबले हुए मटर है जो मैंने आपको बताए थे कि पहले उबाल के रखे हैं मैंने, अब वो स्टेज पर हम इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन गया है और इसके अंदर हमने मटर डाल दिए हैं। कितना अच्छे से घी, मलाई, सब कुछ
जो है साइड से रिलीज़ हो रहा है उसका सारा घी निकल गया है। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे अपने सॉर्ट किए हुए गुच्छियाँ, थोड़ी देर से हम अच्छे से भुनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे गुनगुना पानी, तो आप जितनी कंसिस्टेंसी चाहते हैं अपने मदरे की उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी डालें और ढक के इसको थोड़ी देर आप सिमर होने दें और बाद में आप इसे गार्निश करें हरे धनिए के साथ। तो मैं थोड़ी देर और इसको पकाऊंगी, थोड़ा और इसे थिक होने दूंगी और फिर ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो आपने देखा बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है ये मदरा बनाने का, पर हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मदरा है, पेशेंस लेगा। तो पेशेंस के साथ आप इसे बनाएंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और एक रिच ग्रेवी होती है जिसमें आपने देखा घी भी गया है, दही भी है, मलाई भी है, टमाटर भी है, तो ये सब चीज़ें इसको बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो आप एक बार इस मदरे को मेरे स्टाइल में ट्राई करके देखिए, ट्रस्ट मी आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।